पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नव निर्वाचित महापौर विनोद अग्रवाल ने आज मुरादाबाद के नगर निगम कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान अधिकारियों ने पूरे प्रोटोकॉल का ध्यान रखा तो वहीं मौजूद भाजपा नेताओं और मुरादाबाद नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा नव निर्वाचित महापौर का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान महापौर विनोद अग्रवाल ने भी सभी का आभार जताया और कहा कि मुरादाबाद की जनता ने तीसरी बार उन्हें मुरादाबाद का महापौर निर्वाचित किया है। मुरादाबाद के विकास में वो अग्रणी भूमिका निभाएंगे और मुरादाबाद शहर का नाम रोशन करेंगे। अरे राजन से कहते थोड़ा पीछे आ जाए। जनता ने तीसरी बार ट्रिपल इंजन की सरकार को विकास का जनादेश दिया है। केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी और महानगर में हमारे द्वारा लगातार विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है और मेरा शहर बदल रहा है और ये बदलाव हम नए भारत के निर्माण में जो सब कभी हमारे बुजुर्गों ने, हमारे राजनेताओं ने इस भारत के लिए देखा है, इस पवित्र भारत भूमि की धरा को स्वर्ग बनाने के लिए एक हमारे ऋषि मुनियों ने वंदन किया है, तो वही आज हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक, भुज से लेके और गंगा सागर तक जो ये भारत भूमि है, इसकी जो संस्कृति है, इसको संजोए रखने के लिए हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और हमारी सरकार कार्य कर रही है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, यही हमारा स्वप्न है। अच्छा सर, आज शपथ लेने के बाद नगर निगम आए तो स्वागत किया गया, क्या कहना चाहेंगे सबने अपने? बस सबने स्वागत किया, ये परंपरा है। बस अब आज से और अभी से महानगर के विकास के लिए छूटे हुए कार्य सबको पूरा कराने की दिशा में कार्य संपन्न किया जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।